नासिर साहब, जो आपने कहा है ईडी के मुद्दे पर पीएम ने क्या कहा है वो सुना देते हैं सुधांशु जी, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। और अडानी पर भी जो उन्होंने प्रश्न किया है कि सेबी से लेकर ईडी सब तब कहां गायब हो जाते हैं, सुनाइए। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे, मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। अडानी से लेकर ईडी पर जो प्रश्न उन्होंने नासिर साहब ने किया उसका जवाब दीजिए, सुधांशु जी। देखिए, समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ, बिल्कुल हम आज का जवाब देते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बोला और हमारे अन्य नेताओं ने भी बोला। अडानी को राजीव गांधी के समय में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो सही था, नरसिम्हा राव के समय में मुद्रा पोर्ट मिलेगा वो सही था, 1998 में मिलेगा सही था, मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2008 में एफसीआई का 15 साल का 12% एंश्योर्ड रिटर्न का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो सही था। अब आइए आज, पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां किए, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस स्टेट में मिले, राजस्थान में 60,000 करोड़। सबसे बड़ा पोर्ट का प्रोजेक्ट कहां मिला है, केरल में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, और राजस्थान जहां कांग्रेस की सबसे बड़ा राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है। क्या कार्रवाई की है भाई, वो भी सही है, केवल भारत सरकार ने जो दिया है वो गलत है। अद्भुत तर्क है ना, मतलब पहले सही था, भिन्न भिन्न सरकारों ने दिया सही था, आज इनकी सरकारें दे रही हैं, उसमें पारदर्शिता है, वो ईमानदारी से लिया गया कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ भारत सरकार द्वारा दिया गया ही गड़बड़ है। और जनाब, मैं नासिर हुसैन साहब से कहना चाहता हूं, जहां गड़बड़ होती है, हम 2G में कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कैंसिल किया था क्योंकि वो सीधे सीधे वायलेशन था। जाइए ना कोर्ट में, अगर आपको लगता है कि आपकी बात में दम है। और देखिए, पैसा डूब गया। अरे भाई, LIC का क्लियर कट स्टेटमेंट है, LIC के एक्सपोजर में अडानी का इन्वॉल्वमेंट 1% है, 1%। LIC डूब गया, SBI डूब गया। देखिए, यही कारण है झूठ के आधार के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने बोला ना कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और तुम्हें इसका पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के धरातल के ऊपर राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आप कहीं टिकने की स्थिति में नहीं है, और गरीब आदमी से लेकर और कारपोरेट वर्ल्ड तक जितने भी फैक्ट हैं वो टोटल आपके अगेंस्ट है। अन्यथा पुनः मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, नासिर साहब मुझे बता दीजिए कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में मिले हैं, क्या कार्रवाई की है और क्यों नहीं की है, वहां मित्रता क्यों निभा रहे हैं, और सबसे बड़े पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जहां राहुल गांधी जी सांसद हैं केरल से, वहां से मिले हैं, क्यों निभा रहे हैं, और FCI का आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया था, ऐसा क्यों दिया था, तो 2014 से पहले और बाद की स्थिति में ऐसा क्या अंतर आ गया जिस कारण से आप इतना सेलेक्टिव अप्रोच। जवाब सुनिए नासिर साहब, जवाब दीजिए। और राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री की तस्वीर अडानी के साथ लेकर आए थे, लेकिन गहलोत साहब की लाना भूल गए, रॉबर्ट वाड्रा की उनके साथ लाना भूल गए। अंजना जी, जरा आप भी सुन लीजिए, भाई साहब भी सुन लिए, सुधांशु जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ कभी बोला नहीं। जो टेंडर, जो कॉन्ट्रैक्ट किसी को उनके L1 होने के तहत, यानी वो बिडिंग करके, वो उनके तहत बिडिंग के तहत अगर उनको मिलता था, वो मिला है। आज जो हम लोगों ने कल और आज जो बात उठाई कि 2014 में इनका क्या नेट वैल्यू था और 2014 से अब तक इनका क्या नेटवर्थ है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दिए गए हैं, कितना आउट ऑफ टर्न इनको दिया गया है, कितनी इनकी ग्रोथ स्टोरी रही है, कितने प्रधानमंत्री अपने साथ इनको लेके कितने देशों में गए हैं, कितनी जगह कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है, और कि उसके बाद कितनी जगह बैंकों से इनको लोन दिलाया है, एक नंबर वन ही है।
और उन सेक्टर्स में जहां पे इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डिफेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वहां पे हजारों करोड़ों रुपए का टेंडर अचानक मिल जाता है इनको। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात पूरे देशवासियों को समझ में आना चाहिए। राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए जो 65,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट अदानी जी ने लाया, वो स्टेट का पैसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान ने नहीं दिया, ये सोलर एनर्जी का जो बोर्ड है सेंट्रल का, उन्होंने अप्रूवल दिया उसको। उन्होंने जब राजस्थान चूज किया, राजस्थान की सरकार सिर्फ जमीन देने का काम किए, राजस्थान की सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान की सरकार नहीं दिए, सरकारी पैसा उसमें नहीं लग रहा है, उसमें खाली इनको जमीन चाहिए था, जमीन दी गई है। और किसके अप्रूवल पे? सोलर बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है उसके अप्रूवल पे दिया गया है। तो ये गलत सलत बात देश को जो है समझा सिखाना बताना छोड़ दें। जो सवाल हम लोगों ने लोकसभा में और राज्यसभा में उठाए थे, उस सवाल का जवाब दें। अब ये कह रहे हैं 2G की बात, 2G में CBI कोर्ट ने क्या कहा? An issue was made out of a non-existing scam. I am not saying this. CBI कोर्ट का जज अपने जजमेंट के ऑर्डर में लिखा है, सुधांशु जी पढ़ लें, या नहीं तो उनके मोबाइल पे है तो पढ़ के हम लोग को सुना दें। Issue was made out of a non-existent scam. This is not even court judge. This is CBI court judge who has said this. और अभी तक जो लगातार ये बोलते हैं, परिवारवाद की बात किए, पुराने केसेस की बात किए, अब कितने साल से सरकार में ये है, 2014 से लेकर 23 हो गया, ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया, जो 2014 के चुनाव के टाइम पे जो लगातार आरोप लगाते आए, 2019 के टाइम पे आरोप लगाए, आज भी आरोप लगा रहे थे, खड़े होकर एलिगेशंस लगा रहे थे, सिर्फ एलिगेशंस रह गए। इनका जो कुछ उद्योगपतियों को मदद करना, उसके बाद चुनाव के टाइम पे उनसे मदद लेना, ब्लॉक से लेके गांव गांव से लेके दिल्ली तक कॉर्पोरेट स्टाइल के इनके पार्टी के दफ्तरें बनना, PM केयर्स में इनसे पैसा लेना जो अनडिस्क्लोज है, ऑडिटेड नहीं है, वो पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, PM केयर्स में, ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? ये जो क्विट प्रो क्यू जो चल रहा है, जो किकबैक्स मिल रहे हैं, ये कहां से आ रहा पैसा? तो इसका खुलासा होना चाहिए। आप डर क्यों रहे JPC से? अगर आप इतने साफ हैं, अदानी जी की साथी, अदानी जी से यारी नहीं है, अदानी जी को मदद नहीं किए, तो डर क्यों रहे हैं? JPC गठित कर दीजिए। जो श्रीलंका की जो बात राहुल गांधी जी ने कल कहा, वहां का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का CAG के ऑडिटेड रिपोर्ट में जो उसकी जिक्र हुई है, उसमें साफ कहा गया कि प्रेशर डाला गया था हिंदुस्तान के सुप्रीम लीडर की तरफ से प्रेशर डाला गया था, उसके बिना पे अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे, श्रीलंकन गवर्नमेंट का CAG के रिपोर्ट में दर्ज है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, एक दो उद्योगपतियों से जो यारी चल रही है, ये पिछले 8-9 साल से हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार गरीबों के पक्ष की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के जो जितने स्कीम्स थे, गरीबों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी नेट हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसमें जो पैसा जो लगातार कम करते जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे, ये पैसा यहां से गरीबों के मुंह से निवाला छीन के, गरीबों के पेट से उनका खाना छीन के, जो अमीरों को मदद करने के लिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सारे कॉन्ट्रैक्ट उद्योगपति दोस्तों को जो दे रहे हैं, उससे इन रिटर्न इनको जो पैसा मिल रहा है, किकबैक मिल रहा है, जो चुनाव में पैसे की तरह बहते हैं, पानी की तरह पैसा बहता है, और जो विपक्षी पार्टियों के सरकारों को डिस्टेब्लिश करने के लिए जो पैसा लगता है, ये पैसा यहीं से आ रहा है। तो एकदम साफ है कि JPC होना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सारे तर्क, सारा इंफॉर्मेशन, सारा एविडेंस, सारा प्रूफ दिया जाएगा। अगर सरकार को हिम्मत है